LLB करने के क्या फायदे हैं, साथ में LLB कैसे की जाती है, ड्यूरेशन क्या है, फीस क्या है, अच्छी यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं, सरकारी से एडमिशन लें या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में एडमिशन लें, ऐसे कई सारे आपके दिल में सवाल आते हैं। और साथ में ये भी सवाल आता है कि आप LLB करने के बाद में अपनी प्रैक्टिस शुरू कैसे करेंगे। दोस्तों, कोई भी स्टूडेंट अगर LLB करना चाहता है, LLB करने के लिए हालांकि उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, 3 साल की लॉ कर लीजिए या 5 साल की लॉ कर लीजिए, आप एडवोकेट, आप मतलब वकील बन जाएंगे, आप अच्छे लॉयर बन जाएंगे। डिपेंड करता है प्रैक्टिस आप कैसे कर रहे हैं। LLB करने से पहले अगर आपकी फैमिली में कोई भी अगर एडवोकेट साहब हैं, आपकी फैमिली से हो, आपके जानकारी में हो, रिश्तेदार में हो, या आपको कोई फ्रेंड हो, तो बहुत अच्छी बात है, आपको कहीं ना कहीं से एक्सपोजर मिलना शुरू से ही शुरू हो जाएगा, आप प्रैक्टिकली चीजें जानना शुरू कर देंगे। पर उनका क्या, जिनके पास कोई भी वकील आसपास जानकार नहीं है मदद करने के लिए, कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, तो उन सब की हेल्प करने के लिए हमारे जैसे जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जहां आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपकी इंटर्नशिप या फिर मान लीजिए प्रैक्टिस कराई जाती है, आप एडमिशन लेते हैं, हमसे आप कॉन्टेक्ट करते हैं, तो हम विद इन 3 या 5 ईयर जो भी आपका लॉ होगा उसमें आपको ट्रेनिंग देते हैं, बताते हैं कोर्ट में कैसे खड़े होते हैं और साथ में किस तरह से केसेस को लड़ा जाता है, LLB करने के क्या फायदे हैं, साथ में LLB कैसे की जाती है, ड्यूरेशन क्या है, फीस क्या है, अच्छी यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं, सरकारी से एडमिशन लें या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में एडमिशन लें, ऐसे कई सारे आपके दिल में सवाल आते हैं। और साथ में ये भी सवाल आता है कि आप LLB करने के बाद में अपनी प्रैक्टिस शुरू कैसे करेंगे। क्रिमिनल में प्रैक्टिस करेंगे, सिविल में प्रैक्टिस करेंगे, मैट्रिमोनियल में आप जाएंगे या फिर चेक बाउंसिंग के केसेस भी बहुत सारे वकील इंडिविजुअल लड़ते हैं, ऐसे बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स आपके बन जाते हैं। क्रिमिनल प्रैक्टिस का एक अलग ही मजा होता है, अलग ही रुतबा होता है। जब कोई वकील बनता है तो उसकी समाज में जो रिस्पेक्ट होती है, डिग्निटी बहुत हाई हो जाती है और अपने आप में अच्छा फील होता है। तो मैं बहुत कुछ आपसे डिस्कस करने वाला हूं आज अपने इस वीडियो में, खास करके उन सभी वकील भाइयों के लिए या फिर उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो अभी LLB में एडमिशन लेना चाहते हैं और फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मतलब पहले ही दिन से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत काम का है। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी वीडियो को लाइक करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके, हमें प्रोत्साहन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लेकर आने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हमारे चैनल पर, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। दोस्तों, जब भी कोई स्टूडेंट चाहता है LLB करना, जब भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आप खुद चाहते हैं LLB करना या आपकी फैमिली चाहती है कि आपको लॉ करवाएं, साथ में ही आपको एडवोकेट बनाएं और फिर आप अपने क्षेत्र में बहुत नाम कमाएं, उसके लिए सबसे पहली शुरुआत आप कैसे करेंगे। आपने मान लीजिए 12वीं पास की है, फिर चाहे किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से पास की हो, रिकॉग्नाइज बोर्ड होना चाहिए। हालांकि सॉल्यूशन तो 10वीं के बाद डिप्लोमा जो स्टूडेंट्स 3 साल का करते हैं, वो भी एक सॉल्यूशन आपके पास हालांकि होता है जब आप 5 साल की LLB करना चाहते हैं। 5 साल की LLB करने के लिए 12वीं आप पास हो या आपने डिप्लोमा किया है 10वीं के बाद, तो आप LLB कर सकते हैं 5 साल की। 5 साल का टेनर होता है, सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स होते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज में आप जब एडमिशन लेते हैं, एडमिशन लेने के बाद आप कानून की पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस बेस एडमिशन देती हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज डायरेक्ट एडमिशन भी देती हैं। आप कोशिश करें पहले कि किसी भी सरकारी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाए, एंट्रेंस हो या किसी भी तरीके से हो। और अगर नहीं होता है आपका एडमिशन, NLU जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, बड़े बड़े मतलब कॉलेजेस हैं, आप वहां भी एडमिशन ले सकते हैं। IP में एडमिशन ले सकते हैं, DU में एडमिशन ले सकते हैं या फिर जो भी आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी, आप वहां एडमिशन ले लें। आपका एडमिशन वहां पे ना हो तो आप क्या कर सकते हैं, फिर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का रुख कर सकते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहां पे डायरेक्ट आपका एडमिशन हो जाएगा। डायरेक्ट एडमिशन होने के बाद में क्लासेस आप अटेंड कीजिए। क्लासेस जो भी आप अटेंड करते हैं, मूट कोर्ट में कैसे आप प्रैक्टिकली चीजों को सीखते हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको कई बार आपको बताया है, जितने भी प्रैक्टिकल कोर्सेज होते हैं उन सभी में एक्सपोजर का मिलना बहुत जरूरी है। एक्सपोजर इन द सेंस कि बार बार कोर्ट जाना, क्लाइंट्स की फाइलों को पढ़ना, केसेस को पढ़ना, केस स्टडी करना, कोई भी किसी भी तरह के सवाल आपके दिल में है LLB को करने को रिलेटेड या फिर LLB में एडमिशन लेने के रिलेटेड या फिर कोई भी जानकारी आप चाहते हैं लॉ के रिलेटेड या कोई भी आप जानकारी चाहते हैं कैसे कोर्ट में प्रेजेंट होते हैं, ऐसे बहुत सारे मामले होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछें या जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर्म फिल आप वहां पे करें, हम आपको कॉन्टेक्ट जरूर करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपनी लॉ को कंप्लीट करें। कोई भी किसी तरह के सवाल है कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सवाल जरूर पूछें, हम आपको रिप्लाई करेंगे। और साथ ही अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को जानकार बना सके। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।